होगी। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में डाट पुलिया दर्दनाक हादसे में एक और व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, जिसका नाम वीर बहादुर है। मृतक की पहचान उसकी जेब में मिले आधार कार्ड से हुई है। बाकी लापता लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और पुलिस प्रशासन भी शामिल है। ये भी बता दें कि गौरीकुंड आपदा में 23 लोग बह गए थे, जिसमें अब तक 4 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। 19 लोगों की तलाश जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते ऋषिकेश के जानकी सेतु के पास 84 कुटिया से लगी दीवार गिर गई। ये लगातार बारिश हो रही है और यहां पर आफत बनकर बारिश बरस रही है, जिसकी चपेट में 2 साधु आ गए। रेस्क्यू कर एक साधु को अस्पताल भेजा गया, जबकि दूसरे की दम घुटने से मौत हो गई। पौड़ी मुख्यालय को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 534 पिछले 54 घंटों से बंद पड़ा हुआ है। कोटद्वार से दुगड्डा के बीच सैकड़ों यात्री अपनी गाड़ियों के साथ फंसे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं रास्ता खुलने का। परसों शाम कोटद्वार से दुगड्डा के बीच बादल फटने से एनएच का एक पुल धाराशायी हो गया। कई जगह भारी बारिश और भूस्खलन होने से सड़क ढह गई। दोनों ओर से सड़क ढहने के चलते सैकड़ों यात्री बीच में फंसे हुए हैं और कुछ यात्री पैदल ही पहाड़ों के रास्ते कोटद्वार आ रहे हैं, जबकि अभी भी कई लोग कोटद्वार दुगड्डा के बीच फंसे हुए हैं। पैदल दुगड्डा से पैदल आ रहे हैं। कितनी दिक्कतों का सामना करना? बहुत ज्यादा दिक्कत, इतना दिक्कत के जिंदगी में पहली बार हुआ है ऐसे काम जो है कि पैदल चलने का। और इतना पेड़ गिरे हैं, इतने चट्टाने टूटे हैं कि जो है कि कह नहीं सकते हैं, कि हम तो कोई बयान नहीं कर सकते इतना। तो दुगड्डा आम सौड़ के पास फंस गए वहाँ पर, क्योंकि रोड टूट गई थी। हाँ, रोड मतलब हो गई थी, टूट गई थी, तो इस वजह से हमें रात को रुकना पड़ा आम सौड़ में ही, गाड़ी में सोए। टिहरी में NH-94 ऋषिकेश गंगोत्री और NH-58 ऋषिकेश बद्रीनाथ यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश से NH-94 भद्रकाली के पास और नरेंद्र नगर रानी पोखरी रोड मलबा और बोल्डर गिरने से देर रात बंद हो गए। वहीं NH-58 अटाली और ब्यासी के साथ ही 4 जगहों पर मलबा आने से बार बार बंद हो रहा है, जिससे परेशानी बढ़ रही है। नरेंद्र नगर रानी पोखरी रोड पर 3 से 4 एम्बुलेंस भी फंस गए थे, जिससे मरीजों के लिए समस्या बढ़ गई है। अभी कई जो पेशेंट थे जो बहुत गंभीर थे, उनको विस्तृत यहाँ से किया जा रहा है आगरा खाल से लेकर के और इसी के तक की स्थिति बहुत विकट है। क्षेत्रांतर्गत रात को बहुत अत्यधिक वर्षा हुई है। इस वर्षा के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 58 ऋषिकेश श्रीनगर और ऋषिकेश चंबा दोनों जो है अवरुद्ध हो गए थे। चमोली जिले में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित लामबगढ़ नाले को लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। गांव को जोड़ने वाला एकमात्र यही रास्ता है, जिसके चलते बच्चे और लोग नाले से गुजर रहे हैं। जरा सी भी लापरवाही से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कुमाऊं में बारिश ने जमकर कहर बरपाया। सबसे ज्यादा तबाही हल्द्वानी में हुई है। मंगलवार रात हुई बारिश ने काठ गोदाम इलाके में 10 से 12 घर जमींदोज कर दिए। इसके साथ ही बरसाती नाले उफान पर बह रहे हैं, जिससे कई घरों को नुकसान हुआ है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बारिश के बाद उफान पर आए कालसिया नाले ने क्या तबाही मचाई है। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। तो लगातार हो रही बारिश ने आम जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में सभी बरसाती नदियां उफान पर हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियां चंद्रभागा, सांग और बीन नदी में जलस्तर बढ़ चुका है, जिससे कई जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। देर रात से लगातार हो रही बारिश ने ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचाया है। जगह जगह जलभराव की स्थिति है। गंगा
उफान पर है और वार्निंग लेवल से 5 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। साथ ही गंगा की सहायक नदियां भी उफान पर है, जिसके चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज 18। तो लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में गंगा उफान पर है। गंगा का जलस्तर फिलहाल चेतावनी के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। बारिश की चेतावनी और गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने आनन फानन में सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी है। डीएम ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए गंगा तट पर बसे इलाकों की बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। तो उत्तराखंड में लगातार बारिश से राहत नहीं है और आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कुछ चुनिंदा जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। आज देर शाम तक बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, इसे लेकर भी संभावना जताई जा रही है। हल्द्वानी में मंगलवार रात हुई जबरदस्त बारिश ने कई परेशानियां पैदा कर दी हैं। गौला नदी से शहर को होने वाली वाटर सप्लाई ठप हो चुकी है, क्योंकि गौला बैराज से आने वाली नहर टूट गई है और उसमें सिल्ट भर गई है, जिसके कारण शहर के कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है और अब टैंकरों की मदद से प्रभावित इलाकों में पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए हमने जहाँ जहाँ नलकूप है वहाँ जोन वाइज नलकूप के माध्यम से जलापूर्ति कराए जा रहे हैं। जिन क्षेत्र में पूर्णतः गौला पर डिपेंडेंसी थी वहाँ हम टैंकर के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें लगभग 35 टैंकर अभी हमारे संचालित हो रहे हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर सड़क सुरक्षा गैलरी के नीचे भूस्खलन फिर सक्रिय हो गया है। भूस्खलन के चलते यहाँ चट्टान का 10 से 15 मीटर हिस्सा भागीरथी नदी में जाकर गिर गया। जिला प्रशासन ने तत्काल सुरक्षा कार्य करने के आदेश दिए हैं। बागेश्वर उपचुनाव के लिए आज सुबह 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन केंद्र का निरीक्षण भी कर उचित दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। जिला पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद व्यवस्था को रख रही है और पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है। यह है वो शुरू हुई है, हालांकि अभी तक कोई भी नामांकन फॉर्म हमारा नहीं गया है, लेकिन हमारी सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। हमारा बैरिकेडिंग एंड जब नामांकन होल जो एज पर कमीशन की गाइडलाइन से उस तरह से बना दिया गया है। सीसीटीवी 4 सीसीटीवी कैमराज हमने इंस्टॉल किए हुए हैं और जो भी पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है, RO ARO सारे मौके पर मौजूद हैं, तो हम लोग पूरा एज पर प्रोसीजर उसको फॉलो कर रहे हैं। तो बागेश्वर उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी होते ही सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने कैंडिडेट से लेकर चुनावी रणनीति पर मंथन तेज कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले बागेश्वर का रण पार्टियों के लिए लॉन्चिंग पैड से कम नहीं है। देखिए, बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर सुरक्षित सीट होने के चलते बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मास्टर गेम प्लानर है। जहां बीजेपी सिंपैथी कार्ड खेलने के साथ साथ जिताओ उम्मीदवार को भी टिकट देने पर काम कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कहते हैं कि बागेश्वर में पिछले 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व को नामों की लिस्ट भेज दी है, इसी हफ्ते उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। हम 16 या 17 तारीख में नामांकन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का वहाँ रहना होगा। कल परसों स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड से हम 3 नाम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज देंगे और 1-2 दिन के अंदर विधिवत रूप से प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। जबकि कांग्रेस इस चुनाव को सत्ता के खिलाफ चुनाव मानती है और नए कैंडिडेट से लेकर पिछले बार आपसे उम्मीदवार रहे बसंत कुमार पर भी नजर लगाए है। जिला कांग्रेस कमेटी से हमने नाम मांग लिए हैं,
जैसे ही जिला कांग्रेस कमेटी से हमारे नाम आएंगे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक करके हम उसको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भेज देंगे और जल्दी ही नामांकन वहां पर करेंगे और पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे, पूरी मजबूती से लड़ेंगे। यानी साफ है, बागेश्वर का उपचुनाव लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल से कम नहीं है और इस सीट पर अगले 15 दिन प्रदेश में राजनीतिक माहौल बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। तो गुरुवार को संसद भवन में राहुल गांधी के फ्लाइंग किस मामले में बीजेपी उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी बार बार संसदीय प्रणाली का अपमान करते हैं। एक मां की मजबूरी हो सकती है कि वो बेटे को पीएम बनाने के लिए उसे आगे करे, लेकिन कांग्रेसियों को क्या मजबूरी है? उन्हें नहीं दिखता है क्या कि वो किसे आगे कर रहे हैं? वो इस लायक नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर आंख मारना, गंदे गंदे इशारे करना और अब फ्लाइंग किस देके जाना, मुझे लगता है बचपना है। मां की तो मजबूरी हो सकती है कि अपने बेटे को प्रधानमंत्री के लायक समझे, बनाने की कोशिश करे, लेकिन मुझे समझता है कांग्रेस की क्या परेशानी है। उनको समझ में नहीं आता कि आप किसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं जो इस लायक ही नहीं है, उसका जिस प्रकार का आचरण है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, बने रहिए।